कोरोना वायरस संक्रमण से एक ओर जहां हजारों लोग काल के गाल में समा गए, वहीं कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित मरीजों में म्यूकर मायकोसिस यानी ब्लैक फंगस संक्रमण की समस्या देखने को मिल रही है। जनपद में भी ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है और अब तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसको देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग को उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जिला चिकित्सालय को 25 वायल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। इस संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि शासन द्वारा ब्लैक फंगस के बढ़ते संक्रमण के मरीजों को देखते हुए 25 वायल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन शासन की ओर से भेजा गया था, जिसे बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज प्रशासन को उपलब्ध करा दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, कुछ इंजेक्शन वायल्स की जरूरत जो होती मंगाई नहीं, क्या है? हाँ, सरकार ने ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था कर रखी है, उसी के तहत गवर्नमेंट ने एम्फोटेरिसिन भी जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सप्लाई किया हुआ है, वो हमने रिसीव कर लिया है। और क्योंकि उसमें गाइडलाइन है कि मेडिकल कॉलेज में ही इससे उसका यूज़ होना है, तो मेडिकल कॉलेज को हैंड ओवर कर दिया गया है, जैसे कि वहाँ वो भी पेशेंट कहीं भी अगर मिलते हैं तो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाएगा और फिर वहाँ से उनका उपचार होगा।